नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी कदंब वृक्ष के फायदों को जानते हैं। कदंब वृक्ष इमारती लकड़ी, सजावटी सामान, कागज, फूलों में सुगंधित इत्र, बीज से तेल, गोंद इत्यादि रूप में इस्तेमाल से लेकर आयुर्वेद में खास औषधि के रूप में भी इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध है। कदंब वृक्ष को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि कदंबिका, कदंबिकाए, राजकदंब, धूलकिदंब इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। आयुर्वेद में कदंब पेड़ के फूल, पत्तियां, छाल का उपयोग सैकड़ों तरह के रोग विकारों को नष्ट करने में सक्षम है। हिंदू धर्म के अनुसार कदंब वृक्ष को कृष्ण भगवान का सबसे फेवरेट वृक्ष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण कदंब वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे। कदंब वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कदंब फल दिखने में गोल, गहरे हरे, गहरे लाल, फूल गुलाबी, गहरे नारंगी एवं गहरे लाल रंग और सुगंधित खुशबूदार फलों के ऊपरी सिरे में लगते हैं। कदंब के पत्ते गहरे हरे रंग और नींबू, संतरे, महुआ के पत्तों की आकृति में होते हैं। कदंब स्वाद में थोड़ा तीखा है, परंतु सैकड़ों औषधीय गुणों से भरपूर होता है ये। आइए हम जानते हैं कदंब के फूल, पत्तियों, छाल के औषधीय गुणों के बारे में। सबसे पहले तो ये बुखार को दूर करता है। एक बार में जान लेते हैं सबसे पहले संक्षेप में कि किन किन बीमारियों को दूर करता है, फिर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे दूर करेगा। बुखार को दूर करता है कदंब, घाव एवं चोट को ठीक करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, इसके अलावा खाज खुजली हो उसको भी दूर करता है, हाथ पैरों की सूजन, मूंछ, इस प्रकार के दर्द को दूर करता है, मुंह के छाले को ठीक करता है, महिलाओं में गर्भावस्था के बाद दूध की पूर्ति करता है, विषनाशक है, दुर्बलता को दूर करता है, डायबिटीज में इंसुलिन का काम करता है कदंब, मूत्र विकार को दूर करता है, मेडिटेशन ध्यान के लिए शांत वातावरण कदंब के वृक्ष के नीचे मिलता है आपको। तो ये कुछ एक ऐसे फायदे हैं जो कदंब से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे तो इन सारे फायदों को हम उठा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं बुखार को दूर करने की विधि। लगातार बुखार रहने पर कदंब की 50 ग्राम छाल और 7-8 तुलसी के पत्तों को बारीक पीस कर एक गिलास पानी में हल्की आंच में आधे से भी कम होने तक उबाल लें। हल्का ठंडा होने पर 2-2 चम्मच तीनों वक्त सेवन करने से हर तरह के बुखार से तुरंत आराम मिल जाता है। अगर आपको घाव एवं चोट लग गई हो तो कदंब चोट घाव दर्द ठीक करने में सहायक है। कदंब की पत्तियों छाल को बराबर मात्रा में बारीक पीसकर उबाल लें। हल्का गुनगुना होने पर कदंब पानी औषधि से सेक करने से घाव चोट दर्द से तुरंत आराम दिलाने में सहायता करता है ये। इसके अलावा पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। इसके लिए जानते हैं कि क्या करना होगा आपको। पेट में गैस, कब्ज रहने पर और पाचन में गड़बड़ रहने पर कदंब के फल का रस सेंधा नमक के साथ मिलाकर 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से समस्या विकारों से छुटकारा मिलता है। कदंब पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करने में सक्षम है। खाज खुजली को दूर करता है कदंब। शरीर में होने वाली हर तरह की खाज खुजली दूर करने में कदंब सहायक है। कदंब के पत्ते बारीक पीसकर फल के साथ साथ ग्रसित जगहों पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। पैरों हाथों की सूजन एवं मूंछ के दर्द को ठीक करने के लिए कदंब का प्रयोग। हाथों पैरों की सूजन, मूंछ, दर्द, सूजन में कदंब के बीज, पत्ते, छाल को बारीक पीसकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर उबाल लें। फिर सूती कपड़े में पानी भिंगोकर सेंक करने से सूजन का दर्द मिट जाता है और सूजन भी कम हो जाता है। आपको तुरंत आराम मिलता है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हों तो देखते हैं कैसे कदंब का हम प्रयोग करेंगे। मुंह में छाले रहने की समस्या दूर करने में कदंब सक्षम है। कदंब के पत्तों और फल रस को पानी में उबालकर कुल्ला गरारा करने से मुंह के छालों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। महिलाओं में गर्भावस्था के बाद दूध की पूर्ति के लिए भी कदंब का बेहद ही आश्चर्यजनक
फायदा होता है। गर्भावस्था के बाद बच्चे के लिए दूध की कमी होने पर कदंब 2 से 3 चम्मच, फल का रस 1/2 चम्मच, शतावर चूर्ण को 1 गिलास दूध के साथ मिलाकर सेवन करने से दूध की कमी दूर हो जाती है। ये विष नाशक भी होता है। कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू इत्यादि कीड़े के काटने पर कदम की छाल बारीक पीसकर पत्तों के रस के साथ निचोड़कर ग्रसित अंग पर रगड़ कर लगाने से विष विकार दूर हो जाता है और तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ साथ ये दुर्बलता को दूर भगाता है। शरीर में कमजोरी आने पर कदम फूल और फल रस का सेवन शरीर को अंदर से शक्तिशाली ऊर्जावान बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा डायबिटीज में कदम के बीज सेवन करने से इंसुलिन की तरह मददगार है। शर्करा लेवल तुरंत नियंत्रण करने में सहायक है कदम। कदम फल रस, पत्तियों का रस, छाल का रस डायबिटीज में फायदेमंद होते हैं। यानी कि कदम के जूस का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद ही लाभकारी होता है कदम डायबिटीज में। मूत्र विकार को दूर करने में कदम का प्रयोग जानते हैं। पेशाब में जलन, पेशाब से संबंधित विकारों बीमारियों को दूर करने के लिए कदम की जड़ पीसकर 1 गिलास पानी में हल्की आंच में काढ़ा बनाएं। 3 वक्त 1-1 कप कदम के जड़ों का रस बने काढ़े का सेवन करने से जल्दी ही फायदा होता है। मेडिटेशन ध्यान के लिए शांत वातावरण कदम्ब वृक्ष के पास मिलता है आपको। मेडिटेशन ध्यान योग प्राणायाम के लिए कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठने से एक तरह से अलग सा शांत और सुगंधित वातावरण महसूस होता है, जिसमें कि आप आसानी से ध्यान एवं प्राणायाम कर सकते हैं। घर, आंगन, ऑफिस, पार्क, खाली जगह अपने आसपास कदम्ब वृक्ष लगाइए। इससे इन्वायरमेंटली सेफ रहेंगे आप, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ठंडी छांव, इमारती लकड़ी, सजावटी सामान बनाने, सुगंधित इत्र बनाने और खास औषधीय रूप में अति फायदेमंद होता है ये आपके लिए। कदम्ब वृक्ष की छांव और कदम्ब वृक्ष के आसपास वायु सुगंधित वातावरण बनाने में सहायक है ये। मात्र कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठने से ही मन को शांति और शीतलता मिल जाती है। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कि कदम का वृक्ष जो कि भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनकी कथाओं में जरूर शामिल किया जाता है कदम वृक्ष को। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप वैसे ही छुटकारा पा सकते हैं। ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।